हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने मीशो से कुछ चीज मंगवाई है, जो मेरा पार्सल आ चुका है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर ही कर दिया जाए। तो बस अब शेयर करने का टाइम आ चुका है और मैं आपको बता देती हूँ अकॉर्डिंग क्या है कि मटके के अकॉर्डिंग ही मैंने कोई चीज मंगाई है और बहुत बेस्ट चीज है। हमें बार बार गिला से लेनी नहीं पड़ेगी, ड्रॉवर में से निकालनी नहीं पड़ेगी, बार बार हम झंझटों में से हट जाएंगे और हमारे ये घड़े के पीछे जो मच्छर चिपके रहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, उसकी वजह से हमें दिखाई भी देंगे। और बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट है और रिजनेबल प्राइस में है। और फाइनली मैंने तो ऐसे प्रोडक्ट देखी नहीं है और मीशो में दिखी, तो मैंने उसको खरीद लिया, बाय कर दिया। तो देखो ये जैसे कि ये घड़ा मेरा है वो प्योर वाला है और ये मेरी अभी एनिवर्सरी गिफ्ट में ही आया हुआ है, तो ये बहुत 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 सुंदर है। तो इसके ये सुंदर है ना, तो इसके नीचे ये रेड कलर का सुंदर नहीं लग रहा है। तो होता क्या था कि छोटी गिलासी यहाँ पे आती है, बस ऐसे छोटी गिलास, इससे बड़ी गिलास नहीं आती, और लेने जाते थे ना तो ऐसे ऐसे हो जाता था, तो कभी नल को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा चलो एक चीज अच्छी वाली आ ही गई है तो मंगवा ही लेते हैं। तो मैंने मंगवा लिया और घड़े को मैंने कल ही भरा हुआ है और एकदम प्योर वाला घड़ा है। इसका पानी का टेस्ट इतना अच्छा है और हम मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत है, हम ठंडा पानी नहीं पीते, गर्मी हो कुछ भी हो, बहुत मतलब ऐसा लग रहा ना कि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा एक दो बूंद हम डाल के पी लेते, बाकी हम ऐसा ही पानी पीते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसको हर रात को ही वॉश करती हूँ और भर देती हूँ, क्योंकि रात को पूरी नाइट में ये पूरा उसका क्या बोलता है, इसका जो असर होता है वो पानी में आ जाता है। हम तुरंत ही भरेंगे और तुरंत पिएंगे ना तो इसका असर नहीं आएगा। तो ये प्योर वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो अभी तो मैंने कल रात को ही घड़ा भरा हुआ है, तो अभी इसको मैं खाली नहीं करूंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैंने क्या मंगवाया है। उसके पहले मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से और मैं आपको बता देती हूँ कि देखो जी यहाँ पे मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि मैं रोज एवरीडे यहाँ तो वॉश तो करती रहती हूँ, पर ये जगह को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं आपको वॉश यहाँ पर रख के बताऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। और बहुत 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 सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया है। अब देखो रखूंगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी मैंने कल से आई हुई है पर मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मैंने वो प्रोडक्ट तो अभी तक खोली नहीं और मैं बहुत ही ज्यादा वो हो रही हूँ कि मुझे कब खोलू कब खोलू कब खोलू और कब आपके साथ शेयर करूँ। तो चलो वो टाइम आ चुका है शेयर करने का, वो टाइम आ चुका है शेयर करने का। तो चलो हम मीशो से क्या मंगवाया है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इतना बड़ा पार्सल। अब मैंने क्या मंगवाया है थोड़ा सा सोचो आप और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और बहुत अच्छा है और ज्यादा प्राइस नहीं है, वो प्राइस मैं आपको बताऊंगी। धीरज रखो, थोड़ी सी शांति रखो, मैं जरूर जरूर बताऊंगी। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत पसंद होता है। चलो चलो हम इसको पॉलिथीन से बाहर निकालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये किस तरह का है, किस तरह से यूज होगा ये। तो ये है मटके का नीचे का स्टैंड जो स्टील में आया हुआ है और ये मुझे पड़ा है 365 रुपीज में, ज्यादा महंगा नहीं है और मजबूत भी लग रहा है मुझे। तो मैं अभी थोड़ा सा इसके साथ वो करके फिर आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से है। ये देख लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा और ग्लास का हम यहां से रखेंगे और ये बहुत 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 मजबूत है, बहुत मजबूत है, देखो बहुत मजबूत है।
तो इसके ऊपर मैं आपको रख के भी बता दूं कि किस तरह से लगेगा। कितने दिन से वेट कर रही थी, आखिर में ये आ ही गया। ओ बाप रे, पूरा भरा हुआ है। वाओ, तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसके नीचे मैं ग्लासे रख लेती हूँ। हम जो कि दिन में कितने ग्लास यूज करते हैं, ये ग्लास यहाँ पे आराम से आ जाएगी। आपको बार 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 झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोग इसके ऊपर गमले भी रखते हैं, यहाँ वहां यहाँ पे भी गमले रखते हैं। और नीचे एक स्टैंड दिया गया है, ये स्टैंड मैं आपको बता देती हूँ किस लिए दिया गया है। आप अगर मटका रख रहे हो ऐसा प्लेट टाइप का, तो यहाँ से जो पानी झड़ता है ना, बूंद बूंद गिरती रहती है, तो यहाँ पे आप प्लेट रख सकते हो। प्लेट रखोगे ना तो आपका पानी, किचन पूरा गंदा नहीं होगा, तो ये इसी लिए रखा गया है, दिया गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो ये कितना वो हो चुका है, इसके ऊपर मैं गमला रख दूंगी तो ये मेरे यूज में भी आ जाएगा। यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा है ना, इसकी जैसे प्रॉपर जगह यही थी, ये देख लीजिए। कमेंट में जरूर बताओ फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से लगा और प्राइस कितनी रीजनेबल है। यहाँ पे हम 5-6 ग्लास तो हमारी आराम से आ जाएगी। तो हमारे घर में इतने कोई मेंबर है नहीं अभी, तो इतना ग्लास रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ग्लासे लो और पानी पी लीजिए। अगर आप परिंदे पर दिया भी करते हो ना, तो आप यहाँ पे आराम से दिया भी रख सकते हो। जो मतलब पितरों के दिए करते हैं ना, तो यहाँ पे आप आराम से एक दिया रख सकते हो। और देखो यहाँ से पूरा क्लीन हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना मच्छर बैठ जाते थे, तो देखो हमें आराम से सब कुछ दिखेगा। और कितनी छोटी सी जगह ये कवर कर रहा है और लग कितना सुंदर रहा है, इसी के लिए ही ये बना हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा है। और फाइनली मुझे बहुत पसंद आया। आज की ये थी हमारी मीशो प्रोडक्ट। तो मैं आपको पानी पी के भी बता देती हूँ कि ये किस तरह से पानी आराम से अब हम ले सकते हैं। ग्लास रख के पूरा लोटा भी हम भर सकते हैं इस तरह से। कितनी इजीली सारा एक बड़ा सारा लोटा भी आ सकता है और एक तपेली भी आराम से रख सकते हैं। बहुत अच्छा सा स्टैंड है और मजबूत भी है, और नहीं लगता है कि इसमें कोई जंक वगैरह लगेगा। वो तो अब जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे ही पता चलेगा। तो थैंक यू मीशो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। चलो बाय बाय। गाइज आपको प्रोडक्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा चलो फ्रंट कैमरे से ही शूट करते हैं, ताकि बोला जाता है कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो फ्रंट कैमरे से करोगे ना तो आपकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी होगी। पर हर टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो इस तरह से मेरा फेस कट हो जाता है। पर इतनी सारी प्रोसेसिंग मैंने कर ली, उसके बाद मैंने वीडियो देखा, तो मैंने सोचा चलो अब इसको स्किप नहीं करना है, वापिस से मुझे सारा बनाना पड़ेगा। तो मैं बस ऐसा ही वीडियो आपके सामने रख रही हूँ और आधा फेस मेरा कट जा रहा है। तो फ्रंट कैमरे में हर टाइम ऐसा ही होता है कि हम रखते कहाँ पे और हम किस तरह से देखना है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो भाई हमारा तो फ्रंट कैमरा ही अच्छा है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तकली बाय बाय, आपका और अपनों का ध्यान रखिए।